दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो, ये है नवग्रह मंदिर। यहाँ पर आपका थोड़ा पार्किंग का स्पेस भी है। यहाँ दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ नवग्रह मंदिर जो गुवाहाटी में स्थित है। ये मंदिर क्यों फेमस है और यहाँ पर किस किस देवता का पूजा किया जाता है, इसके बारे सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं था, ये मंदिर का दर्शन करने के लिए जरूर आ जाना। ये मंदिर गुवाहाटी का जो उजान बाजार है, उजान बाजार से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में उपस्थित है। आराम से आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो या कोई भी गाड़ी लेके आप आराम से इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आ सकते हो। तो चलिए वहाँ जाके हम वीडियो को शुरू करते हैं और जो मंदिर के बारे में जो नया कुछ किया है उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों आपको ये मंदिर आने के लिए उजान बाजार ओके या गुवाहाटी क्लब में भी आ सकते हो। काफ़ी सुनसान इलाका है, ये मॉर्निंग के टाइम है भी इतना लगता है कि यहाँ कभी इतना भीड़ भड़का नहीं होता। दोस्तों अभी हम लोग जस्ट पहुँचने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइट है यहाँ पर, थक चुके हैं। तो हमारे साहब है, थोड़ा मंदिर क्यों जाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देंगे। मंदिर हमारे हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान होता है। यहाँ पर जाने से अनेक प्रकार की पूरी जानकारी मिलती है। वहाँ पर हमको हिंदू धर्म के नाते शांति मिलती है। मन को एकाग्रित करके वहाँ जाते हैं, वहाँ से हमको जो भी फलभूत ज्ञान प्राप्त होता है मैं आगे के लिए एक बताता हूँ, ताकि हमारे परिवार भी उसी का अनुकरण करे, हमारे समाज अनुकरण करे कि मंदिर में जाने से हमको शांति मिलती है और जो भी ग्रह गोचर वहाँ शांति हो जाती है। वो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल गया है जो हनुमान भक्त है। जय हनुमान की जय हो बाबा, ये देख लो। तो 1.6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ पर हम लोग चल के आए हैं। थोड़ा हिल से लेकर है तो हाइट डाउन भी है, तो बीच में आपको बंदर काफ़ी सारे मिलेंगे। लेकिन आपको ये जो देख रहे हो डंडा जरूर हाथ में लेना है, क्योंकि मेरे ऊपर ये अटैक करने वाला था, तो हमें थोड़ा उससे बचना चाहिए है ना, कि मैं उसको फोटो क्लिक कर रहा था, भयंकर जाम करके आया, तो हमें लगा यार काट देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छा लगा। ये देखो बीच बीच में ये मूर्ति आपको बना हुआ मिलेगा, मूर्ति नहीं है पेंटिंग है। चलो अब यहाँ से हम गुवाहाटी सिटी जो है वहाँ का व्यूज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कितना सुंदर लग रहा होगा। दोस्तों जो मंदिर के सामने है फ्रंट से में आपको जो ठेला वाला मिलेगा, जो फूल प्रसाद वगैरह यहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो ये है नवग्रह मंदिर, हम लोग पहुंच रखे हैं यहाँ पर। इसका व्यू से देखो, यहाँ पर आपका थोड़ा पार्किंग का स्पेस भी है। यहाँ पर थोड़ा छोटे जो कार वगैरह है वहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो, इतना यहाँ पर स्पेस है जो आप बढ़िया से अपना गाड़ी वगैरह जो गाड़ी कार वगैरह पार्किंग कर सकते हो। तो आइए अब मैं मंदिर के अंदर ले चलता हूँ आपको। दोस्तों ये मंदिर हमारे सौरमंडल के नौ ग्रह के उपस्थित में स्थापित किया गया है। पर रोज 9 ग्रहों का पूजा अर्चना किया जाता है और साल में 2 बार यानी माघ महीना और फागुन महीना में बड़े धूमधाम से महायज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। आपको मंदिर देखने से पता चल रहा होगा कि मंदिर कितना प्राचीन है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप नहीं आए होंगे तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करना आ जाना। लोगों का मानना है कि यहाँ पर हर ग्रह और नक्षत्र का जो भी अपने जीवन में कुप्रभाव पड़ता है उसका बहुत ही असर हमारे जीवन में मिलता है। तो इसी ग्रह और नक्षत्र को शांति करने के लिए यहाँ पर लोग
अपने मन्नत लेके पूजा अर्चना करने के लिए आ जाते हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे यह गुवाहाटी सिटी, कितना खूबसूरत नज़र लग रहा है यहाँ पर। ये काफ़ी हाइट पे है, तो आपको भी यहाँ जरूर आना चाहिए ताकि आप नवग्रह मंदिर का जो दर्शन कर सके। दोस्तों हम लोग तो थोड़ा सुबह आ गए थे, इसलिए अभी जो मंदिर प्रांगण है मंदिर का अंदर हम लोग जा नहीं पा रहे क्योंकि अभी दरवाज़ा बंद है। तो इन्होंने बताया कि 7 बजे खुलता है, तो इसलिए हम उसके वेट में बैठे हुए हैं। दोस्तों यही तो है भगवान का तीर्थ स्थल, जहाँ हमें आने के बाद एक पवित्रता फील होता है और लोगों के प्रति एक आस्था बढ़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हर तीर्थ स्थल में हमें जाना चाहिए और अपने भगवान के प्रति आस्था और भरोसा बढ़ाना चाहिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस नवग्रह मंदिर में आने के बाद आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। आज के लिए वीडियो इतना ही था, फिर मिलते हैं अगला कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।